मध्य प्रदेश जनपद के बाबू मनोज बैरागी के 95 लाख के फर्जीवाड़े के जांच प्रतिवेदन के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया। बाबू को जिला पंचायत अटैच करने पर भी रिकॉर्ड नहीं दिए तो ताला तोड़कर आवश्यक दस्तावेज जब्त कर लिए। जब्त किए रिकॉर्ड की भी जल्द जांच की जाएगी। शासकीय राशि में धांधली करने वाला बाबू पर मामला दर्ज किया जा सकता है। दरअसल ग्रामीण जनता के साथ जनपद सदस्य भी फर्जी लेखापाल मनोज बैरागी की मनमानी से बहुत त्रस्त हो चुके थे। कई मर्तबा मनोज बैरागी के काले कारनामों की ग्रामीणों ने शिकायतें भी की, लेकिन मनोज बैरागी रसूखदारों के संरक्षण के चलते बच निकलता था। जब शैलेंद्र पवार नाम के व्यक्ति ने इसकी पड़ताल की तो पाया कि लंबे समय से मनोज बैरागी नियमों के विरुद्ध फर्जी बिलों का भुगतान कर तो रहा ही है, बल्कि जनपद सदस्यों की बैठक में होने वाले ठहराव प्रस्ताव के बगैर भी फर्जी भुगतान कर कमीशन खोरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मनोज बैरागी सहायक ग्रेड 3 से सहायक ग्रेड 2 पर पदोन्नति भी फर्जी हस्ताक्षर के बलबूते पर उस वक्त पदोन्नत हुआ था जब जनपद पंचायत सरदारपुर में सहायता ग्रेड 2 का पद रिक्त ही नहीं था। और तो और वर्ष 2017 में भी लेखपाल भैदुराज बैगारी को लेखपाल का चार्ज देने के हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मनोज बैरागी की रसूखदारों की पहुंच के चलते दबंगई कम ना हुई और लेखपाल के मूल पदाधिकारी भैरुदास बैरागी के होते हुए लेखपाल की कुर्सी पर कब्जा जमाए रखा। ग्राम पंचायत भोपावर कंजरोठा व नरसिंह देवला द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत आज तक कोई विवाह सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया। बावजूद इसके जनपद पंचायत सरदारपुर से मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के नाम पर लाखों रुपए के फर्जी भुगतान दिए गए, जबकि मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह हेतु आयोजन करने पर व्यय की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की होनी चाहिए थी। इन तमाम जानकारियों को जुटाने के बाद शैलेंद्र पवार ने तहसील मुख्यालय से लेकर दिल्ली तक मनोज बैरागी के काले कारनामे की लिखित जानकारी दी। इसी जानकारी के आधार पर सरदारपुर SDM महेंद्र चंद्र बड़ोल ने तहसीलदार प्रकाश परिहार सहित 4 सदस्यों का दल गठित कर जांच प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिए गए। जांच के लिए जनपद पंचायत सरदारपुर से रिकॉर्ड की मांग की जाने लगी तो चालाक मनोज बैरागी ने आधे अधूरे रिकॉर्ड दिए, लेकिन जांच दल ने अधूरे रिकॉर्ड की भी अब जांच की तो करीब 95 लाख का घोटाला उजागर हुआ। शेष रिकॉर्ड की मांग करने पर बैरागी आनाकानी करने लगा। जो जांच दल ने देखा कि मनोज बैरागी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है तो मनोज बैरागी को जिला पंचायत कार्यालय में अटैच किया गया, लेकिन बैरागी का मोह सरदारपुर के रसूखदारों से नहीं छूट रहा था, इसलिए वापसी की कोशिशों के साथ साथ दो बार सूचना देने के बावजूद चार्ज नहीं दिया तो कलेक्ट्रेट श्रीकांत बनोट के आदेशानुसार रिकॉर्ड रूम के गोदरेज के लॉक तोड़कर शेष रिकॉर्ड को जब्त किया गया। कलेक्टर श्रीकांत बनोट के आदेशानुसार CEO पंकज दरोठिया एवं प्रभारी खंड पंचायत अधिकारी मुकेश पंडित ने गोदरेज का ताला तोड़कर आवश्यक शेष दस्तावेज जब्त कर गोदरेज व रिकॉर्ड रूप को सील कर मौका पंचनामा बनाया तथा आगामी कार्यवाही हेतु कलेक्टर को दस्तावेज प्रेषित किए। धार से संवाददाता जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। जाने से और उनके द्वारा चार्ज अभी तक हस्तांतरण नहीं किए जाने से आज माननीय सीओ साहब के आदेश के अनुसार उनके आधिपत्य में जो कमरा था उसके अंदर जो अलमारी रखी हुई थी उसका ताला, एक अलमारी का ताला तोड़ा गया, पंचनामा बनाया गया, विधिवत सारा रिकॉर्ड जो प्राप्त हुआ है उसकी एक सूची तैयार कर ली गई है और श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा जो आवश्यक कागजात चाहे गए थे वो उनकी ओर प्रेषित किए जा रहे हैं। स्थानांतरण किन कारणों से हुआ था? स्थानांतरण कोई शिकायत वगैरह थी उसकी वजह से हो गया था। तो शिकायत में जांच प्रतिवेदन में क्या कुछ पाया गया? जांच प्रतिवेदन, उसकी जांच जो है माननीय श्री SDM साहब ने श्रीमान SDM साहब और तहसीलदार महोदय के सुपुर्द की थी। तो अभी क्या कुछ प्रक्रिया जारी है जनपद पंचायत में? अभी जनपद से ही प्रक्रिया जारी है, उनके संबंध में जो अभिलेख कलेक्टर महोदय ने चाहे गए हैं वो उनके ओर प्रेषित किए जा रहे हैं। आपका नाम और पता? मुकेश पंडित, प्रभारी पंचायत खंड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत सरदारपुर। लेखापाल के रूम में आज कोई प्रक्रिया हुई है क्या? हाँ, ये रूटीन प्रोसेस है, यदि किसी के द्वारा कोई चार्ज नहीं दिया जाता है तो ये कार्रवाई की जाती है, तो वही कार्रवाई आज की गई है। किसी शिकायत में कोई दोषी पाए गए हैं तो उसमें जांच प्रतिवेदन भी भेजा गया है जिले में? जिले में जांच प्रतिवेदन SDM साहब के द्वारा भेजा गया है। सर आपका नाम? मैं पंकज दरोठिया, CEO जनपद सरदारपुर। आज आप जनपद सदस्यों ने इस्तीफा दिया, क्या कुछ मामला है?
क्या ऐसी स्थिति आ पड़ी कि इस्तीफा देना पड़ रहा है? हमारे जनपद के मुख्य कार्यपाल अधिकारी का जो कार्यशैली है उससे बहुत आहत आकर और जनपद का जो बड़ा बाबू मनोज बैरागी उससे आहत होकर हमने सभी जनपद सदस्यों ने इस्तीफा सौंपा है। साथ में जनपद सीओ की आज सामान्य सभा में निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। हमारे जनपद सदस्यों द्वारा कोई भी काम कार्य लेके उनके आपस में जाने पे उनको सम्मान नहीं मिलता है, उनको उसके हिसाब से बात कही जाती है। इससे हमको हमारे सदस्यों को बहुत पीड़ा हुई है और हम आज तो इस्तीफा ही दिया है। इस्तीफा मंजूर होने तक अगर नहीं होता है तो जिला तक भी जाएंगे और जो यहाँ का बड़े बाबू मनोज बैरागी और सीओ पे प्रशासनिक कोई ऐसी कार्रवाई होना चाहिए, इसे हम लोगों की मांग है। और हम लोगों ने तक आज स्वच्छता से इन लोगों के पीड़ा के कारण इस्तीफा सौंपा है। इसमें मनोज बैरागी जो बाबू है जनपद पे, उनकी क्या भूमिका रहती है जनपद में? पूरे जनपद वही चलाते हैं, उनके मार्गदर्शन उनके कहने पे यहाँ का जो सीओ साहब चलता है, उनके कार्यपाल अधिकारी, वो किसको कैसे चलाना वो सभी वही रास्ता बनाता है। तो इतने सीओ चेंज हो चुके हैं तो उसमें उसका दबाव प्रभाव कम नहीं हुआ? नहीं हुआ, सभी पता नहीं वो क्या ऐसा रखता है, बिल्कुल उसको तो रखते हम लोगों ने कई बार विरोध करा, एक बार तो ट्रांसफर भी हुआ था उसका स्टील है और दो तीन बार उससे विभाग भी छीन लिए गए थे जो महत्वपूर्ण है, परंतु वापस सेटिंग करके वापस बिठा देते, बोले कि आगे से हो गया। जिस पद पर वो बाबू बैठा है क्या वो उसकी पात्रता रखता है? पात्रता तो नहीं रखता है, पर इनके साथगार से हैं सर। आपका नाम? मुकेश मेड़ा, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 20, सरदारपुर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।